हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो हम अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने तुमको प्रोनाउन के बारे में बता दिया है कि प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है, प्रोनाउन के काइंड कितने होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउन को मैंने पढ़ा भी दिया है, और साथ साथ मैंने तुम लोगों को पोसेसिव प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस बता दिया है कि क्या डिफरेंस होता है। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के आगे पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि पर्सनल प्रोनाउन के तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किन्हें कहते हैं? सबसे पहली बात, फर्स्ट पर्सन जो कि बोलने वाला हो उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग, जैसे कि आई मैंने दिया है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। अब जैसे है कि सेकेंड पर्सन किन्हें कहते हैं? सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला, ठीक है। यू आर प्लेइंग, तो जैसे कोई वहां पर लड़का है, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, तो वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो इसलिए यू क्या होता है? सेकेंड पर्सन, सुनने वाला। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन उन्हें कहते हैं जिसके बारे में बोला जाता है, उन्हें हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि ही इज प्लेइंग, तो वह खेल रहा है, तो वहां पर कोई लगा वह खेल रहा है, तो उसके बारे में बात हो रहा है, तो इन्हें क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया है कि किसी भी पर्सन के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। तो देखो, अगर सब्जेक्ट में आई है तो इसका आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी होगा, ठीक है। सब ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक। अगर सब्जेक्ट में वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा? अस होगा, ठीक है। और इसको पोसेसिव प्रोनाउन हम लोग कैसे यूज करेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन में इसका माइंड कहते हैं और इसको आवर्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन में हम लोग का केवल एक ही वर्ड है, यू, ठीक है। इसका सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, सब्जेक्टिव फॉर्म भी इसका यू ही है और एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इसका यू ही है, ठीक। लेकिन इसका पोसेसिव फॉर्म, पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? योर्स है, ठीक है। अब देखो, हम लोग का क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मैंने बताया कि जिसके बारे में बात किया जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, अगर सब्जेक्ट में ही है। थर्ड पर्सन आई वी और यू को छुड़ाकर जितने भी नाम है, जितने भी प्रोनाउन है, नाउन है, सभी क्या आ जाते हैं? थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है। देखो, अगर ही है सब्जेक्टिव रूप में, ठीक, तो ऑब्जेक्टिव रूप में इसका क्या होगा? हिम होगा। और पोसेसिव प्रोनाउन में इसका क्या होगा? हिज होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव रूप में उसका सी है, सब्जेक्टिव फॉर्म उसका सी है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। एंड पोसेसिव फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? हर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब है सब्जेक्ट प्रोनाउन में हम लोग का इट है, तो ऑब्जेक्ट में भी उसका इट ही रहेगा, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन में उसको इट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब है हम लोग का दे। सब्जेक्ट में अगर दे दिया है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसका क्या होगा? देम हो जाएगा, तथा और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? देर हो जाएगा, ठीक है। पॉज कीजिए। हेलो बच्चों, चलो हम अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने तुम लोगों को पर्सनल और पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बता दिया है। अब हम लोग का थर्ड काइंड क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम थिंग या सेम पर्सन को रिफर करते हैं, सेम उसको कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? किस वर्ड से बना है? रिफ्लेक्ट मतलब कि जो सब्जेक्ट काम करता है, मतलब उसी पर रिफ्लेक्ट होके उसका एक्शन आता है, उन्हीं को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? मायसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ। देखो, एग्जांपल के तौर पर मैं तुम लोगों को अच्छे समझा दूंगा। जैसे कि देखो, डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, यू विल हर्ट योरसेल्फ। अब देखो, यहाँ पर योरसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? अगर तुम लोग वायर को टच करते हो तो तुमको ही करंट, तुम अपने आप को चोट पहुंचा दोगे। तुम छूओगे, टच करोगे तो तुमको ही चोट पहुंचे, तो रिफ्लेक्ट होगा किस पर आया? यू पर ही आ गया, सब्जेक्ट पर ही आ गया, तो ये क्या हो गया? योरसेल्फ की वजह से आया कि नहीं आया? तो ये योरसेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट काइंड इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं?
इम्फेटिक हम लोग का आया है इम्फेजिंग वर्ड से आया है। इम्फेजिंग मतलब क्या, जोर देना, जोर देना ही हम लोग इम्फेटिक कहते हैं, इम्फेजिंग करते हैं, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन एक ही वर्ड का होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करता है, इम्फेजिंग प्रोनाउन क्या करता है, जोर देता है, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ आता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, आई क्लोज द डोर माई सेल्फ, मतलब कि मैंने खुद से दरवाजे को क्या किया, बंद किया। तो ये माई सेल्फ क्या कर रहा है, जोर दे रहा है कि नहीं यहीं पे, कि मैंने खुद से बंद किया। तो ये माई सेल्फ क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले काइंड